तो एक बार फिर आपसे स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बेटा मैं आप लोगों को करा रहा हूँ एक सीरीज, उसका छठा क्वेश्चन है और ये कैपेसिटर पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट और ऐसी बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो कैपेसिटर का कोर कॉन्सेप्ट होगा बेटा, कोर कॉन्सेप्ट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर करते नहीं है, क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड बी आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट। दो कैपेसिटर हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं। बेटा आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, दोनों की शेप, दोनों का सब कुछ सेम है ना, सब कुछ ओके। फिर क्या कह रहा है, वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है विद द स्विच एस क्लोज्ड। एक स्विच है एस जिसे क्लोज किया है, डायग्राम आप देख पा रहे हैं, वी वोल्ट की बैटरी, कैपेसिटर ए और बी जैसे डायग्राम में है ऐसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन दिया है बेटा। मतलब कैपेसिटर कैसे भी कनेक्ट हो सकते थे, सीरीज में, पैरेलल में, और यहाँ पैरेलल में कनेक्ट है और ये स्विच भी कहीं भी हो सकता था, लेकिन आपको ये क्वेश्चन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा करना है। ठीक, तो स्विच एस को क्लोज करेंगे, फिर क्या कह रहा है उसके बाद बेटा क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन बोलता है द स्विच इज नाउ ओपन, पहले स्विच एस क्लोज था मतलब कि टक करके लगा हुआ था, ये कैपेसिटर कनेक्ट थे, उसके बाद इन्होंने स्विच को ओपन कर दिया है एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, जो कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं उनके बीच का जो फ्री स्पेस है, खाली जगह है, उसको डायलेक्ट्रिक से भर दिया है ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। एक ऐसे डायलेक्ट्रिक से बेटा भरा है जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, के ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द बोथ कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक डालने से पहले और डायलेक्ट्रिक डालने के बाद जो एनर्जी निकली है उसका बेटा आपको रेशियो निकालना है। मतलब कि टोटल एनर्जी पहले की, डायलेक्ट्रिक डालने से पहले की टोटल कितनी एनर्जी इनके अंदर स्टोर्ड थी और डायलेक्ट्रिक डालने के बाद कितनी एनर्जी इनमें स्टोर्ड है, ये आपको बेटा करना है। और ये क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स में आया है CBSE में 2017 में। अरे यार तायर वार के चक्कर में तो मैं, मुझे तो बड़ा झंझट सा लगता है। देखो बेटा CBSE में आया है ये 2017 में। और मैं आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करें और देखें कि क्या आप इसको कर पा रहे हैं, और अगर आप कर पा रहे हैं, इसको सही कर पा रहे हैं, फिर चेक करेंगे अपना आंसर। और अगर आपका बिल्कुल उत्तर ठीक है, सही कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके 3 मार्क्स पक्के हैं, CBSE में पक्के आपके 3 मार्क्स है। ठीक, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कैपेसिटर का कोर कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। कैपेसिटर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन याद करनी है। अगर ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, इसके अक्रॉस वी वोल्टेज है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वी है, तो बेटा इक्वेशन होती है क्यू इज इक्वल टू सी वी। बस आपको एक यही इक्वेशन याद करनी है और इससे इसको अगर आप याद कर लेंगे, इसके बेसिस पर ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन तब अगर आप अपनी बुद्धि को खोल के काम करेंगे। यानी बुद्धि उद्धि बंद कर दी बक्से में कर रहे हैं तब नहीं होगा बेटा, बुद्धि खोल के देखते हैं बेटा किस तरीके से। मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, Q इज इक्वल टू सी वी एक बात। दूसरी बात, जब बेटा हम किसी डायलेक्ट्रिक की प्लेट्स के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भर देते हैं, सॉरी किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में बेटा अगर हम कोई डायलेक्ट्रिक भर देते हैं, तो जो इसका नया कैपेसिटेंस होता है, आपको मालूम होना चाहिए बेटा, जो नया कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स बढ़ जाता है। कैपेसिटर किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इसको आप ध्यान रख लेंगे ओके। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, नंबर एक। नंबर दो, ये कोर कॉन्सेप्ट है कि डायलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ता ही है, कभी भी घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि इस के की वैल्यू मोर देन वन लेस देन इन्फिनिटी होती है डायलेक्ट्रिक के लिए, मेटल्स के लिए इन्फिनिटी होती है और एयर के लिए वन होती है, लेकिन डायलेक्ट्रिक के लिए इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होगी। तो एक से ज़्यादा अगर होगी तो कैपेसिटेंस जो नया होगा वो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी भी घटेगा नहीं, ठीक है ओके। अब देखना बेटा ध्यान से, अब इसमें क्या मैं बताऊँ आपको, जो ये Q इज इक्वल टू सी वी है, ये इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कभी किसी भी तरीके से आपने कैपेसिटेंस को बढ़ा या घटा दिया किसी भी तरीके से, ठीक,
तो ये इक्वेशन दो जगह कंडीशन में काम आएगी। दो कंडीशन क्या होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट दो कंडीशन होती हैं। नंबर वन कंडीशन, नंबर टू कंडीशन। कंडीशन क्या है सर, कंडीशन ये है, पहला वाला केस अगर क्वेश्चन में बैटरी कनेक्टेड रहे, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, अगर बैटरी लगातार कनेक्टेड है, इफ बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी क्या लिख दिया मैंने ये, राइटिंग बहुत सुंदर है मेरी, इफ बैटरी इज कनेक्टेड, एक तो ये केस, दूसरा केस क्या है बेटा, इफ बैटरी इज रिमूव्ड, इफ बैटरी इज रिमूव्ड, अगर बैटरी हटा दी आपने, एक बार चार्ज किया फिर आपने बैटरी को हटा दिया। अब बेटा आपको ध्यान रखना, अगर बैटरी कनेक्ट है, बैटरी अगर कनेक्ट है तो बेटा बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना काम होता है बैटरी का। तो अगर बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर में तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, मतलब कि V कांस्टेंट रहेगा, V कांस्टेंट रहेगा, V चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर कैपेसिटर में बैटरी कनेक्टेड है, आप जो मर्जी कैपेसिटेंस बढ़ा लो घटा लो कुछ भी कर लो, V सेम रहेगा। अगर आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है, कैपेसिटेंस बढ़ाओ चाहे घटाओ, वी चेंज नहीं होगा। अच्छा सर, अगर वी चेंज नहीं होगा, वी कांस्टेंट हो गया है और हम सी को बढ़ा रहे हैं, तो क्यू ऑब्वियस सी बात है बढ़ना ही चाहिए, और अगर आप वी को तो सेम रहने देते हैं और सी को घटाते हैं तो क्यू घटेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। जितने गुना आप सी को बढ़ाएंगे उतने गुना क्यू बढ़ेगा अगर बैटरी कनेक्टेड है, जितने गुना आप सी को घटाएंगे उतने ही गुना क्यू घटेगा अगर बैटरी कनेक्टेड है, बार बार बोल रहा हूँ बैटरी कनेक्टेड है तो, ओके नंबर एक। नंबर दो, अगर बैटरी हटा दें, मतलब कि पहले आपने चार्ज वार्ज किया फिर अपने बैटरी को, अरे भैया तू जा हमारा काम हो गया चार्ज हो गया, अब उस कैपेसिटर पे चार्ज तब तक रहेगा, या तो आप उसे डिस्चार्ज ना कर दें, मतलब कि आपने हाथ वाथ लगाया चार्ज आपके अंदर से निकल गया, अदरवाइज उसके अंदर बेटा चार्ज स्टोर्ड रहेगा जब तक आप उससे कुछ बल्ब बल्ब ना जलाएं, कुछ एनर्जी का काम ना लें, अदरवाइज चार्ज उस पर स्टोर्ड रहेगा और वो चार्ज कभी चेंज नहीं होगा अगर आपने बैटरी हटा दी। आपने एक बार बैटरी को हटा दिया फिर आप जो मर्जी कैपेसिटेंस को बढ़ाओ या घटाओ, बैटरी आपने हटा दी चार्ज सेम रहेगा बेटा, बैटरी हटाने के बाद क्योंकि आपने उसे चार्ज कर दिया और चार्ज फिर सेम रहेगा, चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो फिर कौन चेंज होगा, क्योंकि देखो होता क्या, आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज जब फुल हो गया बढ़िया मस्त एकदम, आपने उसे हटा दिया, अब जो चार्ज उस पर आ चुका है वो उस पर है, वो नहीं जा सकता जब तक आप उसे डिस्चार्ज ना करें। इसीलिए कई बार क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमने कैपेसिटर की प्लेट्स को इंसुलेटेड हैंडल से, इंसुलेटेड हैंडल से रिमूव किया है, सेपरेट किया है, हटाया है, तो इंसुलेटेड का मतलब यही है कि आप उसमें से चार्ज को बाहर नहीं आने दे रहे, चार्ज उसके पास रहेगा तो सेम रहेगा, और अगर आपने एक बार बैटरी हटा दी और फिर कैपेसिटेंस को जितना मर्जी बढ़ाओ या घटाओ चार्ज चेंज नहीं होगा। आप देखेंगे अगर इसको कांस्टेंट तभी रहेगा अगर सी बढ़ाने पे वी घटनेगा, जितने गुना आप सी बढ़ाओगे उतने गुना वी घटेगा, तब ये बात वैलिड रहेगी, ये इक्वेशन वैलिड होती है बेटा, ये कैपेसिटर की जो इक्वेशन है बेटा ये हर केस में वैलिड होगी, इस बात को आप ध्यान रखें, हर केस में ये वैलिड होगी। अब यहां पे देखो बेटा, क्योंकि अगर V कांस्टेंट है तो C और Q प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है ना, C बढ़ाओगे तो Q बढ़ेगा, C घटाओगे तो Q घटेगा, लेकिन अगर Q कांस्टेंट हो रहा है तो आप C को अगर बढ़ाओगे तो V को उतने गुना घटना पड़ेगा, अगर आपने C को दो गुना बढ़ाया है तो वोल्टेज को दो गुना घटना पड़ेगा, V बाय टू होना पड़ेगा, अगर आप C को दो गुना घटा रहे हो तो वोल्टेज को दो गुना बढ़ना पड़ेगा ताकि उसकी प्रोडक्ट Q ही रहे। आई थिंक आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट घुस चुका है, ओके। और एक और बात मैं आपको बताता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पूछ रहा है साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रेशो ही पूछ रहा है ये, तो बेटा कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर आपने इसको इसलिए पढ़ रखा है क्यू स्क्वायर ओवर टू सी। तो आप कभी भी बेटा कंफ्यूज ना हो कि कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं, आप कोई सा भी फॉर्मूला उठा के यूज कर लें, एक ही बात है, लेकिन बात ध्यान क्या रखनी है, ध्यान ये रखनी है कि अगर आप किसी एक कैपेसिटर की एनर्जी निकाल रहे हैं कि कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होना चाहिए,
वोल्टेज कौन सी होनी चाहिए बेटा, वोल्टेज होनी चाहिए उस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज लग रही है। ऐसा हो सकता है बैटरी किसी और वोल्ट की हो लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है वो आपको देखनी है। सेम यहां पर है, आप एनर्जी निकालिए निकाल लो, अगर आपको चार्ज मालूम है और सी मालूम है, किसी कैपेसिटर का निकाल रहे हो तो उसका कैपेसिटेंस और क्यू, उस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, ये आप कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों ही फॉर्मूले ठीक हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक, इसे करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो बात बेटा, एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कह रहा है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। बेटा जो मर्जी आप कैपेसिटर को पैरेलल में लगाओ सीरीज में लगाओ, एनर्जी टोटल हर बार निकलेगी, पहले कैपेसिटर की एनर्जी, दूसरे की एनर्जी, तीसरे में कितनी स्टोर्ड एनर्जी है सबको जोड़ दो, सिंपल। एनर्जी कितनी स्टोर्ड है सबको जोड़ दो, सिंपल, यही है और कोई खेल नहीं है। ठीक, तो चलिए बेटा आप इस क्वेश्चन करते हैं और बहुत ध्यान से इस बात को दिमाग में रखते हुए करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट कर लेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कैपेसिटर में अगर तीन नंबर क्वेश्चन आया तो ये आपको आना ही चाहिए बेटा। ओके, चलिए, कपड़ा कहाँ गया, ये रहा। अरे कपड़े मास्टर तूने भी तो पहन रखे हैं। हाँ, लेकिन इससे साफ थोड़ी करूंगा बेटा मैं। देखिए अब बेटा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चार्ज कर दिया। सबसे पहले क्वेश्चन बेटा, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना। पहले स्विच एस से दोनों ही क्लोज्ड हैं, यानी स्विच एस ऐसा टक करके लगा हुआ है। तो अब आप देखेंगे जब स्विच लगा हुआ है तो बेटा दोनों के दोनों पे वोल्टेज वी आ रही है, अगर ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, दोनों पे वी वोल्ट आ गई है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, और दोनों का कैपेसिटेंस बेटा सी है। सी क्यों है दोनों का, क्योंकि दोनों बेटा आइडेंटिकल हैं, और अगर वो दोनों आइडेंटिकल हैं तो मैं दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल मान रहा हूं। ठीक, अब पूछ रहा है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो बेटा देखना जरा, अभी हमने डायलेक्ट्रिक नहीं भरा, अभी शुरुआत की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि डायलेक्ट्रिक भरने से पहले और बाद की एनर्जी का रेशियो निकालो। मैं देखता हूं यहां पे बेटा, पहले वाले कैपेसिटर पे एनर्जी स्टार्टिंग में, तो हमने बोल दिया इसे यू ए कितनी है बेटा, हाफ पहले वाले का कैपेसिटेंस, पहले वाले के अबाउट कितनी वोल्टेज है उसका स्क्वायर, इस तरीके से ध्यान रखना आप। ओके, हाफ पहले वाले का कैपेसिटेंस सर सी है, वोल्टेज सर वी है क्योंकि डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट है, डायरेक्टली ठकाक से। ठीक है सर, ये आया, ये पहले पे आ गई। अच्छा, दूसरे पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड है स्टार्टिंग में, आपको फॉर्मूला फिर से वही पता है, हाफ सी वी स्क्वायर। मैं बी में स्टोर्ड एनर्जी निकाल रहा हूं तो मैं बी का कैपेसिटेंस और बी के अबाउट, बी के अक्रॉस सॉरी, कितनी वोल्टेज है वो देखता हूं। तो आप देखेंगे कि बेटा बी पे भी जो वोल्टेज है वही है क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, वी सेम होता है और कैपेसिटेंस भी सेम है। ये आई बेटा ए पे एनर्जी, ये आई बेटा बी पे एनर्जी कनेक्शन करने से पहले, मतलब कि सॉरी डायलेक्ट्रिक डालने से पहले। अब अगर पूछे टोटल एनर्जी कितनी है तो आप देखेंगे सर डायलेक्ट्रिक का इंट्रोडक्शन कराया कि यार ये डायलेक्ट्रिक है ऐसे जानते हो पहचानते हो, उससे पहले जो टोटल एनर्जी है ए की जोड़ दो और बी की जोड़ दो, सिंपल। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि ये पैरेलल में कनेक्ट है कि सीरीज में, टोटल एनर्जी ऐसे ही निकलेगी बेटा। ठीक है, देखें आप क्या आई है, हाफ सी वी स्क्वायर प्लस ये भी हाफ सी वी स्क्वायर, मतलब कि टोटल एनर्जी आ गई सी वी स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन है, मैं बार बार कनेक्शन बोल रहा हूं बेटा मुझे माफ करना, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक डालने से पहले की बातें हैं सारी। टोटल दोनों की पूछा, टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर बिफोर, दोनों में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। ओके, अब डायलेक्ट्रिक डालने के बाद, लेकिन ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑर्डर कौन सा सर, जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है बेटा इसमें, अब इसमें क्या कहता है, द स्विच इज नाउ ओपन। अब इन्होंने स्विच को यहां से हटा दिया कि भैया ले ओपन कर दिया। ओपन करने से क्या हुआ बेटा, आप देख पाएंगे जब आपने इसको ओपन कर दिया है तो बेटा ये कैपेसिटर बैटरी से अब कनेक्ट नहीं है। देखो इसे हटा दिया यहां से, ये वाला कैपेसिटर जो बी वाला कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्ट नहीं है, और मैंने अभी आपको बताया अगर वो बैटरी से कनेक्ट नहीं है इसका मतलब चार्ज सेम रहेगा। और पहले कैपेसिटर को देखो, पहला वाला जो ए है वो अभी भी बैटरी से कनेक्ट है, स्विच एस को ओपन करो या ऑफ करो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्विच एस तो इधर है, तो पहला वाला कैपेसिटर अभी भी कनेक्ट है बैटरी से, तो पहले वाले पे अभी भी वोल्टेज वी ही है,
तो यहाँ पे अगर डायलेक्ट्रिक भरोगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, तो चार्ज चेंज होगा इसका, और इसका चेंज होगा बेटा वोल्टेज। वोल्टेज क्यों चेंज होगा? क्योंकि बैटरी से कनेक्ट नहीं है। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना, बराबर बनाए रखना। अरे रुके, हाँ ठीक है, रुके रहो ठीक। देखो अब बेटा मैं देखता हूँ डायलेक्ट्रिक भरने के बाद होता क्या है। कह रहा है द स्विच इज नाउ ओपन, पहले इन्होंने स्विच को ओपन कर दिया, देखो ठक हटा दिया, फिर उन्होंने स्पेस को भर दिया डायलेक्ट्रिक से। हमने यहाँ भी डायलेक्ट्रिक भरा बेटा ऐसे करके, और यहाँ भी डायलेक्ट्रिक भरने से इसका कैपेसिटेंस भी हो गया के इंटू सी, और इसका कैपेसिटेंस भी हो गया बेटा के इंटू सी, क्योंकि डायलेक्ट्रिक भरने से नया कैपेसिटेंस बढ़ता ही है, के टाइम्स हो जाता है, ठीक के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर, बढ़ गया। फिर अब देखो ध्यान से बेटा, मैंने अभी बताया था बैटरी कनेक्ट है तो V सेम रहेगा, V सेम रहा है तो बेटा अब देखो V सेम है लेकिन C चेंज हो गया, और अब आपको फॉर्मूला पता है बेटा Q इज इक्वल टू सी वी। मैं पहले वाले के लिए देखता हूँ V सेम है, V चेंज नहीं हो रहा, इसको छोड़ो। अगर आपने C को बढ़ाया है तो Q भी बढ़ेगा, ओके दूसरे को देखो बेटा, बी वाले को देखो, फिर से ये इक्वेशन लगाता हूँ बी वाले पे, क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब यहाँ पे बैटरी रिमूव हो चुकी है यहाँ से, अब यहाँ पे बेटा क्यू सेम रहेगा, और अगर आपने सी को बढ़ाया है तो वी उतने ही गुना घटेगा, ध्यान रखना उतने ही गुना घटेगा, ठीक ओके। अब देखो बेटा फाइनली कितनी एनर्जी आई ए पर, बाद में मैंने डैश लगा दिया डायलेक्ट्रिक डालने के बाद, हाफ कैपेसिटेंस ए का कितनी वोल्टेज है उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, हाफ पहले वाले कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का कैपेसिटी कितनी है बेटा के सी, के टाइम सी, तो इसे हमने लिख लिया के इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, वोल्टेज वही बनी हुई है बैटरी, ठीक लगी हुई है उसमें, ओके सर। अब देखो बेटा दूसरे का, अब इसको बहुत ध्यान से करना बच्चा, यहां बच्चे गलती करते हैं, और आप ध्यान से देखना, फिर आप कहोगे सर आपने बताया नहीं लेकिन मैंने बताया था। ध्यान से देखना बच्चे यहाँ गलती करते हैं, आप एग्जाम में गलती करिया होगे सर आपने तो बताया नहीं था, यहाँ भी हो जाती गलती, मैंने बताया है आपको, ध्यान से देखना बेटा। बी पे कितनी एनर्जी है बाद में, फॉर्मूला हाफ बी का कैपेसिटेंस वी बी स्क्वायर। अब एनर्जी का फॉर्मूला सर यही थोड़ी होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी भी तो होता है, बिल्कुल होता है, तो क्या मैं सर यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्यों बेटा? क्योंकि जितना चार्ज अब इस पे पहले था, डायलेक्ट्रिक डालने से पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज इस पे बाद में भी रहेगा, क्योंकि ये रिमूव हो चुकी है बैटरी, तो मैं इस फॉर्मूले की जगह ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर मैं यूज कर लूं क्यू बी स्क्वायर ओवर टू सी बी, ठीक है। मैं चाहूं तो बेटा इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, दोनों से कर सकता है, मर्जी आपकी है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे चार्ज सेम रहेगा, ठीक। अब क्यू बी पे क्या चार्ज पहले से चेंज हो गया? नहीं। पहले कितना चार्ज था बेटा? देखो पहले चार्ज था क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि C इसका कैपेसिटेंस था पहले डायलेक्ट्रिक भरने से पहले, V इसके क्रॉस वोल्टेज थी, तो इतना चार्ज था। अब भी इस पे इतना ही चार्ज है, ठीक। तो बेटा देखो कितनी हुई इस पे एनर्जी, कितनी हुई Q स्क्वायर ओवर टू सी बी। अब B का कैपेसिटेंस अब कितना हो गया? अब हो गया है K टाइम्स C, तो 2K टाइम्स C। अब भैया Q स्क्वायर की जगह, क्योंकि ये तो V में है ना, यहाँ भी V में है, तो Q बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी रखूंगा तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाने वाला है ये, सी स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर टू के सी, सी ने एक सी मार दिया, बचा क्या? बचा ये सर सी वी स्क्वायर अपॉन टू के। ये बेटा किस पे एनर्जी है? बी पे एनर्जी है। कब एनर्जी है? बाद में डायलेक्ट्रिक डालने के बाद में, डायलेक्ट्रिक डालने के बाद में बेटा ये एनर्जी है उस पर। ऑल राइट, अब क्या कर दें? बस उसने रेशो पूछा है टोटल का, टोटल निकाल दो बेटा। टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी जो बाद में है इसे डैश कह रहा हूँ बेटा, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा? थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा, इसे रब कर देना क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन रब कर देते हैं बेटा। देखो अब ध्यान से देखना। सर जी गर्मी लग रही है। हाँ यार सर्दी में भी गर्मी है, कैसी गुंडागर्दी है, क्या क्या गाने। देखो बेटा टोटल एनर्जी निकालो, क्या निकलेगी बाद में? टोटल एनर्जी कितनी है डायलेक्ट्रिक भरने के बाद में? ये है सर पहले वाले की हाफ, सर के बी ऊपर ही है तो इसे के बाय टू लिख लूँ, है ना, के बाय टू सी वी स्क्वायर प्लस
इसकी कितनी है b की सी वी स्क्वायर अपॉन 2k, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर सी वी स्क्वायर कॉमन है अपॉन में, वो भी तो देखो 2k भी, 2 भी कॉमन है, सॉरी 2k नहीं 2, यहाँ से क्या बचा k प्लस यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन k, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो देखना बेटा 2 कॉमन 1 अपॉन k यहाँ से k, ठीक है ना। अब देखो कितना हो गया बेटा ये सी स्क्वायर सी वी स्क्वायर सॉरी सी वी स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ हो चुका है k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में k, उसे मैंने ऐसे लिख लिया ठीक है, k को बाहर ले लिया। ये वो एनर्जी है जो टोटल एनर्जी है बेटा डायलैक्ट्रिक भरने के बाद में, ये वो एनर्जी है डायलैक्ट्रिक भरने के पहले टोटल, और इक्वेशन 2 मैंने से मान लिया। क्वेश्चन में कह रहा है बिफोर एंड आफ्टर का रेशियो निकालना, इसका मतलब है बिफोर वाली पहले, इंट्रोडक्शन कराया हमने डायलैक्ट्रिक का, उससे पहले जो एनर्जी थी वो टोटल, और बाद में जो है ये दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल बेटा। 2017 में सीबीएसई ने पूछा है, 3 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कर दो भैया कर दो भैया कर दो भैया। ओके सो रेशो क्या हो गया सर, टोटल वाली जो पहले है बिफोर अपॉन आफ्टर, है ना, पूछ रहा है जैसे जैसे कह रहा है, तो बिफोर वाली लिख रहे हैं क्या है सी वी स्क्वायर अपॉन, ये कितनी है, ये है सर सी वी स्क्वायर, यार पसीना आ गया यहाँ पे मेरा अभी ना, लो क्या आ गया बेटा ये सी वी स्क्वायर ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2k, ठीक है बेटा। आपको पता है फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, इसको 1 मान सकता हूँ, 1 आएगा नीचे और सी वी स्क्वायर ने सी वी स्क्वायर मार दिया, 2k जाएगा ऊपर, तो रेशो आ चुका है 2k डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा मैं आपको बताऊँ, ये बिफोर, इसे बिफोर लिख देता हूँ है ना, बिफोर और आफ्टर, ये बिफोर है डायरेक्टिक भरने से, ये डायरेक्टिक भरने के बाद का है, दोनों जो भी एनर्जी है उनका बेटा ये रेशो है, रेशो, और रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान ये भी रखना, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है रेशो, तो रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होती है बेटा, ठीक बेटा। अब ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपका क्वेश्चन खत्म, 3 नंबर पक्के, देख के लग रहा है कि गलत तो नहीं है, ठीक है आंसर देख के लगता है गलत तो नहीं है, कहीं कुछ कटा रहा हो, कुछ नहीं कट रहा, खत्म है क्वेश्चन। यहां से क्या बन सकता है बेटा, देखो उसमें कह देगा आपको, चेंज करता है सीबीएसई का, करता है आपकी बार देगा, न्यूमेरिकल दे देगा, इसमें के की जगह कह देगा कि हमने एक डायलैक्ट्रिक भरा है, उसमें वैल्यू भी देगा, वोल्टेज भी देगा 5 वोल्ट 20 वोल्ट कुछ भी, अब हमने जो डायलैक्ट्रिक भरा है उसके डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, के की जगह क्या कह दिया 5 है, तो प्रूफ करो कि रेशो आएगा कितना आएगा 10 और 26 5 13, प्रूफ करो कि जितनी एनर्जी पहले थी उसकी 13/5 एनर्जी हो चुकी है, तो अल्टीमेटली वो यही पूछ रहा है, 13/5 ही होगी अगर आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। अगर k की जगह 5 रहोगे तो 10/26 हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5/13 हुआ रेशो, तो बाद वाली एनर्जी 13/5 हो जाएगी इनिशियल की, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के आपको सीबीएसई पूछ सकती है, अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग इसे पढ़ते रहें समझते रहें, सीबीएसई बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास सीबीएसई के, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, उनको मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।